तो हमने लास्ट टाइम इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर किया था। इंट्रेंसिक में आपके बुकलेट में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, चेक करें, एन ई इज एन एच इज इक्वल टू एन आई। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड के अंदर, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 0 केल्विन पे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए, तो अपनी जगह क्या छोड़ गए? 2 होल छोड़ गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड में, इनकी अमाउंट क्या रहेगी? एग्जैक्टली सेम। तो नंबर का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ऐसी नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होल डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी, होल डेंसिटी किसमें? वैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें? कंडक्शन बैंड में। तो इनका जो डेंसिटी का अमाउंट है वो एग्जैक्टली सेम रहता है, और इक्वल टू एन आई। एन आई का मतलब है आई फॉर इंट्रेंसिक, ये इंट्रेंसिक के इक्वल होता है। तो एन ई इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन आई। एन आई का मतलब क्या है? एन आई का मतलब एन ई और एन एच का इक्वल है ये। ठीक है, यहां तक तो ये बराबर रहता है। पॉइंट डिफेक्ट्स हमने लास्ट टाइम कर लिए थे। पॉइंट डिफेक्ट्स के बाद ये नहीं होने चाहिए, और डोपिंग हमने की थी। डोपिंग करने का मतलब उसको इम्प्योर बनाना। और हम स्टार्ट करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।